Meanwhile, people join in क्योंकि our time is about 10:30 Dubai. अच्छा, try keeping the video on. Let's talk what you guys are doing. Let's start with Shanaz. You can unmute yourself quickly. Let's talk to Anam, Imran and all because I want to understand क्या problems आ रहे हैं ताकि I can add that in the content. Okay? I have just started listening. This is the third time I'm listening to the recording today. I missed the two, three classes. I'm still trying to understand it. It is not a ठीक piece. है, सो यूर अब्जॉर्बिंग. Yeah, I am. I really want to understand it. गुड गुड गुड. शुजा, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ यार, मिले सर. फर्स्ट कैसा ऑफ ऑल मेरे लिए तो जा रहा है आपका? काफी मैं जो है वो ट्राई भी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं इसको काफी कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था आपसे, क्योंकि आपके जो उसमें चैट में था, तो चैट में भी इतना जल्दी मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था कि हमने इन्वेस्ट किस तरह करना. मैं आपने कहा था कि आप जो है वो ट्राई करके देख लें उसमें ना, तो वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था सर उसमें. ठीक है, गुड क्वेश्चन. कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो? एक्सटेक्स कर रहे हो कि बाइनेंस कर रहे हो? बाइनेंस कर रहा हूँ सर. हाँ ठीक है. रौनक, यू हैव एनी क्वेश्चन? रौनक, इमरान, शुजा, मोहम्मद, एक दफा क्वेश्चंस ले लूं ताकि थोड़ा सा और हेल्प बेटर कर पाऊं आप लोगों को मैं. राइट जी सर, रौनक, फर्स्ट कैसे आप? ठीक है क्लास सर. बोलो, मैं क्या भी है खबर? ना अंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ इसकी ना, और ये है कि थोड़ा सा मुझे और भी एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि किस तरह से उसको लॉग इन करना है. अभी जो है ग्राफ की जो है ना पिक्चर्स, उसको देखकर थोड़ा एनालाइज करना स्टार्ट किया है कि अच्छा, अगर ठीक ये है. अगर इसका कैंडल इस तरह से तो वो किस तरह शेप में जाएगा या कैसे. क्योंकि मैंने दो तीन दफा इसको ओपन किया था, लेकिन मैं एक्चुअल जिस तरह का आपका वो आ जाता है चार्ट और इस तरह से, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ. शायद डेमो में नहीं हो सकता है, या फिर उसको पेड करना पड़ेगा, आई डोंट नो. लेकिन बहुत अच्छा वो सवाल है. 1 बिटकॉइन जो है ना, वो 1 बिटकॉइन बहुत पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा रुपीज है, 62 नहीं, अमेरिकन भी थाउजेंड्स बहुत में ज्यादा आते हैं. रुपीज है, हम उसके हाँ सेंट्स में बाय करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन गुड क्वेश्चन. लेकिन मैं जो है ना वो ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ. ट्रेडिंग व्यू इज अ फ्री टूल, मेरे पास पेड वर्जन भी है. तो उसमें क्या है कि एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू करो, उसका ग्राफ बहुत सॉलिड है जो ना, और इसलिए ऑप्शन बहुत है. बट मेरा क्योंकि प्रीमियम वर्जन है, मैं बाइनेंस भी खोल लेता हूँ आज. अच्छा, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरा बिंग यूएस सिटीजन, मेरा भी बाइनेंस नहीं खुल सकता जैसे शनाज आपका बाइनेंस नहीं खुल सकता. तो प्रॉब्लम इन यूएस इसके लेवरेज बहुत छोटा मिलता है. ठीक है, तो वो कॉइन बेस जो होगा ना, वो लेवरेज नहीं देगा. बट यू हैव टू यूज जेमिनाई. जेमिनाई पे क्रिप्टो मिलता है, बट आप कोशिश करके forex.com पे अकाउंट खोल लो. तो मैं अभी ये सब समझाता हूँ. ठीक है, गुड. तो थोड़ी सी क्लास उस पर रखते हैं. अच्छा, रौनक से बात होगी. और किसी का कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो चाहता है मैं ऐड करूं? इमरान, जी. अच्छा हेलो. जस्ट एक बार बताऊं, मैं बहुत सारे जी लोगों को ना हम लोग व्हाट्सएप से निकालना शुरू करेंगे बिकॉज ग्रुप भर गया है एंड बहुत लोग आना चाह रहे हैं. तो मेरे एडमिन्स देख रहे हैं, जो आइडल बैठा हुआ है ना उसको बाहर निकालेंगे. तो आई एम जस्ट एडिंग वन थिंग, आप लोग तो सारे एक्टिव इसलिए आ रहे हो. यस सॉरी इमरान, गो इट प्लीज. या सो एक्चुअली आई एम अ न्यू वन. मैंने एक्चुअली जो है अराउंड पे यूट्यूब से ये बेसिक सारी जो है ट्रेडिंग सीख ली थी. बट ये कि मैं अभी आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑनेस्टली, और मेरा फुल मूड है. सो मैंने इंशाल्लाह वेरी सून जो है आई विल गेट इन दिस, और मैं ट्रेड लेना शुरू करूंगा. बट राइट नाउ आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग और लर्निंग. टेक्निकल एनालिसिस गुड. एक्चुअली मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे बेसिक सारी पता है. मैंने यूट्यूब से बेसिक सीखी हुई है, सो वेरी गुड, मेरे वेरी ख्याल से गुड. ये राइट टाइम है फॉर मी टू लर्न एंड यू नो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. जो यूट्यूब से सीखा होगा ना, मैं अनलर्न कराऊंगा बिकॉज सारे के सारे यूट्यूबर ट्रेडर्स नहीं होते. तो बहुत ट्रू. पुराने कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिससे पैसे टूटेंगे. तो नो वरीज, गुड इमरान. अनम, अनम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली. बताओ कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? देन विल मूव टू आसिफ एंड देन विल गेट स्टार्टेड. ठीक है, अनम अनम्यूट करना है तो चेक करो. आसिफ, समबडी वाज आस्किंग द क्वेश्चन. आसिफ, यू वांट टू से समथिंग? कोई क्वेश्चन और है?
चीजों को सीख रहा हूँ, लेक्चर्स देख रहा हूँ, इसका साउंड्स गुड ग्रेजुएशन साउंड्स गुड साउंड्स गुड। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी और का क्वेश्चन है कोई और? सैफ को लास्ट चेक करते हैं फिर मूव करते हैं। सैफ कोई क्वेश्चन है? स्टार्ट करें। नो नो सर, कंटिन्यू प्लीज। नो सर, ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैं आज बेसिक्स बताता हूँ क्या। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड पे आने से ओके। एएसएम डॉट को एक कम्युनिटी है, एक यूनिवर्सिटी है फ्री, जो अलहमदुल्ला मैंने स्टार्ट की थी। इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट इन यूएस। आज ये 43+ कोर्सेज करा रही है फॉर फ्री, जिसमें क्विक बुक, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स से लेके SAP, वर्कडे, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज है, अमेजोन ई कोर्स, और उसके बाद टेक्सास एजुकेशन बोर्ड की सर्टिफिकेशन मिलती है फ्री, नो कॉस्ट। तो उसमें ट्रेडिंग का एक कोर्स मैंने पिछले साल लिया था कोविड में, बट दैट वॉज बेसिक वन। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ये वो चीज़ है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे अभी किसी से बात हो रही थी और मैंने बताया ये वो चीज़ है जो मैंने बहुत पैसे लूज करने के बाद सीखा, बट दिस वॉज गिवन टू मी एज अ ब्लेसिंग। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसीलिए सिखाऊं कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं फाइनेंशियल मुश्किलात में, उनके लिए सोल्यूशन बने। और मैंने देखा जितना मैं सिखाता हूँ ऊपर वाला मुझे उतना ब्लेस करता है, तो इसीलिए मैं सिखाता हूँ। मगर ये आसान नहीं है, तो यू हैव टू कीप ऑन टू इट। और अभी आप लोग को क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है देखो, अभी है क्या, एवरीथिंग इज द गेम ऑफ लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज यूएस में जो लेवरेज है फॉरेक्स का वो 1:50 है। मतलब आपके पास अकाउंट में 100 डॉलर्स है ना, तो वो आपको मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स बाय करने देगा, यानी 5,000 डॉलर का माल खरीदने देगा। तो अगर एक बिटकॉइन आज 60,000 का है, समझो 50,000 का है, अंदाजा निकले, तो आपको 0.1 BTC मिल जाएगा। ठीक है, 5,000 डॉलर का इक्वेलेंट कितने में? 100 डॉलर में। ठीक है, अब गेम समझो। अगर बिटकॉइन 1% बढ़ता है तो 100 डॉलर से कितना मिलना चाहिए? 101 होना चाहिए, ऐसा ही है। बट अगर आप 50x लेवरेज पे माल खरीदते हो, तो आपका 100 डॉलर बेसिकली 5,000 डॉलर का माल खरीद रहा है, समझे? आपको लोन मिल रहा है, एंड वो लोन है 0.1 BTC। BTC ऐसा नहीं है कि आप देखो सोना खरीदने जाते हो तो 1 किलो का सोना किसी ने थोड़ी खरीदा है। कोई 0.1 ग्राम लेता है, कोई 0.01 ग्राम लेता है, कोई 1 तोला भी ले लेता है, विच इज स्टिल नॉट 1 किलो। यस और नो? राइट। तो अच्छा, वीडियोज ऑन रखो, दिस इज द वे यू कैन इंटरेक्ट, राइट? बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो रहा है, स्पेशली जो लोग एशियन कंट्रीज से वो बंद करके आ दी है। लेकिन मेल्स फीमेल्स शनाज नोज इट, मैं एक सेशन लेता हूँ, 200-200 लोग वीडियोज ऑन करके बात करते हैं, सो ऑन रखो, राइट? 0.1 BTC लिया ना अगर, कितने का लिया? 5,000 डॉलर्स का। अब 1% अगर बढ़ गया 5,000 पे, तो कितना कितना माल कितना आपको जो आपका फाइनेंशियल वो था उसमें गेन हुआ 5,000 डॉलर्स पे, कौन कैलकुलेट करेगा? मल्टीप्लाई कर दो 101 से और डिवाइड कर दो 100 से, यही तरीका है, राइट? या सिंपल 1.01 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा। करो, करके बताओ जल्दी से, क्या है चार्ट पे लिखो, आप लोग का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। 50.5 डॉलर, से 50 आया नहीं, है। 50 डॉलर बढ़ गया। तो यस सर, बेसिकली तुमने यार 100 डॉलर पे 1% बढ़ गया, तो तुम्हारा 100 डॉलर 150 हो गया। अरे बाप रे, कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि तुम्हें 50x का लोन मिला था, समझे बात को? सर ये नहीं समझे सर, वापिस समझे तो। देखो 100 डॉलर तुम्हारे अकाउंट में थे, तुमने 50x सही का है, लेवरेज लिया, अब तुम्हें माल मिला 5,000 का। आज सही बिटकॉइन है, चल रहा है समझो 62 का, समझो 62 का नहीं है, 50,000 का। ठीक है, तो सही है। तुमने 100 डॉलर पे फॉरेक्स एक्सचेंज ने तुम्हें अलाउ किया या क्रिप्टो एक्सचेंज ने अलाउ किया कि तुम 5,000 डॉलर का माल ले लो, क्योंकि 100 टाइम्स 50 इज 5,000, ऐसा ही है। अगर सही है, ट्वेंटी एक्स का फेयर लेवरेज लगा दे तो 100 टाइम्स 20 हो जाता है 2,000 डॉलर।
तो तुम्हें 2,000 डॉलर ठीक का माल अलाउ कर देता 20x पे, तो टेक्निकली तुम्हें कितना बिटकॉइन मिलता? 2,000 डॉलर का। हजार का मिलता, अब अगर बीस दो अगर हजार बीस डॉलर पे साइलेंस ट्वेंटी का लिमिटेज होता ना हो सर। जाओ, साइलेंस हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, साइलेंस हो जाओ, सवाल पूछ लिया, म्यूट बैक कर लो प्लीज। 2,000 डॉलर पे 1% बढ़ गया अगर, तो कैलकुलेट करो कितना है। सब इन्वॉल्व हो जाओ क्विकली कैलकुलेटर में। आई एम सॉरी, मुझे आपको ब्रेक नहीं करना था, लेकिन मैं इसलिए कि मैं 20 20, तो यानी तुमने 20 डॉलर बना लिए। क्या सही है, तुम्हारे पास 2,000 डॉलर एक्चुअल में थे? नहीं, नहीं हंड्रेड तुम्हारे पास तो 100 थे, तो तुमने 100 डॉलर पे 20 डॉलर बना लिया भाई। और अगर यानी 1,000 होते 20% बना तो, लिया। हाँ एक ही झटके में, तो बेसिकली तुमने 20% बनाया, जो कि एक्चुअली 1% था, यes or no, बट $100 का लेवरेज 20x की थी, तो इसलिए तुम्हारी ग्रोथ साल में बैंक 20% देती है, पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों में, और यूएस में 6% देती है। सर, अभी ये भी कम हो गया सर। हाँ चलो, अब मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखो कि ग्रोथ 20% की हुई है ना, तो 1% लॉस भी 20% का होता, कैसा? तो झटका लगा ना, ऊपर जैसे गए वैसे नीचे भी आए। तो मैं, मेरे जैसे आदमी जो कि 6-7 साल से एक्सपर्ट, तो अपने आप को नहीं कह सकते, अभी भी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सपर्ट कहते हैं ना तो दूसरे दिन लॉस मिलता है, तो ऊपर वाला बता देता है अभी भी एक्सपर्ट नहीं है, नीचे नीचे नीचे, हम्बल, राइट? सो हम्बल रहना चाहिए। तो मैं जो इस नतीजे पर आया हूँ ना, पहले मैं भी बहुत लेवरेज ढूंढ रहा था, अरे वाह, क्योंकि पाकिस्तान में तो 1:500 का लेवरेज मिलता है। अब शनाज यूएस में बैठी हुई है, यूएस के लोग बोलेंगे ये क्या बात हुई, तो उसमें देखो होता क्या है। अब समझो तुमने 100 डॉलर का माल लिया और तुम्हें 500 डॉलर का उधार मिल गया, तो तुमने माल बेसिकली 50,000 का ले लिया सिर्फ 100 में, तो तुम्हें तो टेक्निकली 1 बिटकॉइन भी मिल जाएगा, ऐसा ही है? अब वो बिटकॉइन 1% तो छोड़ो, अगर खाली 0.1% भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो तुम्हारे पूरे 100 डॉलर खाली, ऐसा ही है? यस और नो? ऐसे ही अकाउंट ब्लो होता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक वर्ड है जो सुन के तुम लोगों को बुरा लगेगा, मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन ये है हम लोग भाई, ये ही एक्सचेंज को पता है, ये ही दुनिया को पता है, हम लोग हैं ग्रीडी, और सबको पता है। कितने लोग बोलते हैं मैं ग्रीडी नहीं हूं, तो 10 बजे अपनी नींद छोड़ के या सुबह के वक्त अपना काम छोड़ के क्यों मेरा सेशन ले रहे हो? पैसे बनाने हैं, यस और नो, रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो मान लो है ग्रीडी है, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, पैसा बनाना और ग्रीडी होना में बहुत फर्क है, ठीक है? तो ग्रीड को कंट्रोल करो, राइट? ग्रीड क्या है? वॉरेन बुफेट जैसा आदमी जो चैंपियन है, वो साल के 18% प्रॉफिटेबिलिटी देता है, सारे बेल्स एंड विसल्स बड़े बड़े चैंपियंस को रख के दुनिया में, तो तुम और मैं 20% एक झटके में बना लेंगे, ऐसा ही है? नहीं है ना? मना तो वॉरेन बुफेट की जगह खाली, इमरान आ जाओ, जहांगीर आ जाओ, रौनक आ जाओ, शिनाज आ जाओ, फरीद आ जाओ, ऐसा नो? तो मैथ बैठता नहीं है। तो हम लोग जो कहने को 99% लोग हैं, बट हमारा मनी का साइज जो है वो खाली 5% है। मतलब दुनिया में इस वक्त जो बिटकॉइन की बाइंग है ना, वो 1 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है? क्रिप्टो एक्सचेंज डॉट कॉम पे देख सकते हो, और उसमें से रिटेलर जो है ना 1 ट्रिलियन में से, उसके पास खाली मुश्किल से 1 बिलियन का माल है, यू नो, 1 बिलियन की बाइंग है। तो यानी 999 बिलियन किसके हैं? वो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के हैं, वो जेपी मॉर्गन के हैं, वो बैंक ऑफ चाइना के हैं, यू नो, बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज के हैं, तो वो लोग 2% है, लेकिन उसके पास पैसा 99% है। तुम और मैं कितने हैं? हम लोग बहुत सारे हैं, 99% है। बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, गैम्बल करते हैं, झटका खाते हैं, क्योंकि 50x की लेवरेज लगाते हैं ना, 100x की लेवरेज लगाते हैं। हम लोग को तो चाहिए कि दूसरे दिन हम अमीर बन जाएं, यस और नो? तो हम लोगों से ये लोग पैसा खींच लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पैसा बनेगा ना तो थोड़ा बनेगा, ज्यादा बनाने जाओगे ना तो ये कहलाओगे, और ये लोग मार्केट में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि जल्दी पैसा बनाना है, रोज का 5% बनाना है, 10% बनाना है,
तो अगर आपको कोई ट्रेडर कहता है ना कि यार मैं तो महीने के 20% बनाता हूँ, तो झूठ बोल रहा है वो। बिकॉज जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, अगर आप 20% बनाते हो तो आपको लाखों डॉलर देने को तैयार है। एक ट्रेड में 20% बनाना नहीं है, कंसिस्टेंटली 20% बनाना है, राइट? तो समझो आप एक ट्रेडर हो, ये मैं बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ, एंड थैंक यू आप लोगों ने बताया कि आप लोग को समझने की जरूरत है। समझो तुम हफ्ते के 5 ट्रेड लेते हो, ठीक है? दूसरे हफ्ते तुमने 5 ट्रेड लिए, 2 सही हुए। तीसरे हफ्ते तुमने 3 ट्रेड सही कर दिए। चौथे हफ्ते तुम्हारा 1 ट्रेड सही हुआ, और पहले हफ्ते तुम्हारे 2 ट्रेड गलत हुए थे, दूसरे हफ्ते तुम्हारे 3 खराब हो गए, चौथे हफ्ते तुम्हारे 2 खराब हुए, पांचवें हफ्ते तुम्हारा बहुत बुरा भी, या तुम सही मूड में नहीं थे या टाइम नहीं दे रहे थे। तो ये टोटल रेड और ग्रीन को मिलाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तुम्हारे ट्रेड खराब गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारे सही गए, ठीक है? तो तुम्हारा विन टू लूज रेशियो क्या है, कौन बताएगा मुझे? कैलकुलेटर्स निकालो, ऐड करो, कैसे निकलेगा? 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, सबको पता है, यस और नो? सबको स्क्रीन दिख रही है? तो 99 प्लस 11 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, ठीक है? यानी नॉर्मली तुम लोग 40% रॉन्ग हो और 6 सही हो, और 60% फेल हो रहे हो, ठीक है? अब सोचो तुमने $100 अकाउंट में डाले, ठीक है, और तुम बहुत संभाल के खेलते हो, तुम बोलते हो नहीं मैं 50x नहीं लूंगा, मैं 500x भी नहीं लूंगा, मैं तो 20x लूंगा, ठीक है? मैंने तुमको कैलकुलेट करके बताया 20x पे कितना फायदा कितना नुकसान होता है, 20% का फायदा या नुकसान होता है भाई। तो अगर तुमने पहले दिन सही ट्रेड किया तो तुम्हारे 100 के 120 बन गए, मेरे साथ हो, यस और नो? दूसरा ट्रेड सही था, 120 के 140 हो गए, तीसरा खेला 140 के 160 हो गए, अब तुम्हारी इक्विटी है 160, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, तुमने बोला वाह मेरे जैसा पीस तो दुनिया में बना ही नहीं है, ऊपर वाले ने मशीन बंद कर दिया। तो तुमने लेवरेज बढ़ाया, तुमने लेवरेज कर दिया 30x, क्योंकि तुमको तो 500 दिया हुआ है ना, खुजली आ रही हाथ में, यार अब तो मैं सही हूँ, अब तुमने 160 लगाया और अब तुम्हें हो गया लॉस, तो तुम्हारा लॉस 160 से ड्रॉप होके 80 पर आ गया, अब तुम्हारी इक्विटी कितनी हो गई, 80 हो गई, क्योंकि 30 के लेवरेज पे 30% है, तो 160 का 30% निकाल दो तो कितना हुआ, 16 16 16 42, समझो तुम $102 पर आ गए, अंदाजन तुम वापस 100 पर आ गए, अब तुम्हारे लिए बहुत डिप्रेसिंग हो गया, तुमने बोला यार 3 दिन लगा रहा मैं ट्रेड करता रहा, या 3 हफ्ते लगा रहा, एक लॉस आया और सारे प्रॉफिट खा गया तीनों, समझ आ रही है बात? तो कौन बताएगा प्रॉब्लम क्या हो रहा है शुजा, वेयर इज द प्रॉब्लम? लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, कहते हैं सर उर्दू में हिंदी में नहीं बोला करो, समझ नहीं आती, बोलो। सर ग्रीडीनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस तो हो रहा है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में गलती क्या हो रही है, मैथमेटिकली क्या गलती हो रही है हमसे? सर हमने 20% पे जाना था, अब हम जो है ना वो बढ़ा के हमने कर दी 30%। यस, जबरदस्त, तुमने ग्रीडी होके लेवरेज बढ़ा दिया, सर हम और फॉर इंक्रीज एक हिट्स, लेवरेज, यस यू इंक्रीज द लेवरेज, और अब देखो दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं जो तुम्हें 500 गुना उधार देंगे, कौन है दुनिया में जो एक दूसरे को 500 गुना उधार दे? इज देयर एनी फूल आउट देयर? नहीं है, दुनिया सारी होशियार है। तो तुम्हें 500 गुना क्यों उधार देते हैं, ताकि तुम ऐसे आओ $100 लेकर और ऐसे लूज करके चले जाओ, क्योंकि उसको पता है तुम ग्रीडी है, तुम्हें 2 3 दफा जिता भी देगी मार्केट, तुम्हारे सेटअप्स लग जाएंगे, तुम बोलोगे वाह EMA क्रॉस होते ही मैंने ऐड किया, ऊपर गया 100 के 120, जबरदस्त, तुमने एक और खेला, एक क्योंकि कैसीनो बन गया ना तुम्हारे लिए, तो गैम्बलिंग हो रही है, अभी एनालिसिस थोड़ी हो रहा है। बहुत सारे लोग तुमने सुना होगा बोलते हैं ट्रेडिंग इज गैम्बल सट्टा, यस और नो? क्यों? क्योंकि उसने गैम्बल करके खेला, उसको आता नहीं था, बट जो वॉल स्ट्रीट में लोग बैठे हुए ना, जो बर्कले यूनिवर्सिटी में $2 लाख का एडमिशन लेते हैं और एनालिसिस सीखते हैं, जो तुम लोग सीख रहे हो यहाँ पे, राइट? वो गैम्बल नहीं करता,
वो वही करता है जो हम कर रहे हैं। तो दो चीज क्या समझ आई मेरे हिसाब से, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास, मैं पाकिस्तान सिटीजन भी हूँ, यूएस भी हूँ अलहमदुल्ला। सो forex.com या Oanda.com, शनाज आपके लिए या अमेरिकन के लिए, ये 1:50 का लेवरेज रहता है। अमेरिकन के लिए लेवरेज 1:50 ही है, ठीक है। तो मुझे पहले बड़ा अफसोस होता था, यार ये क्या है, यार क्या मसला है, क्यों बनाया है ये लॉ, राइट। पाकिस्तान में, इंडिया में, अफ्रीका में 1:500 मिलता है, और गाना श्रीलंका में 1:1000 भी मिलता है। बोलो यार जबरदस्त है। लेकिन जब पैसे टूटे तो मुझे समझ आया, शुक्र है 1:50 मिलता है। अब मैंने जो अपना अकाउंट कन्वर्ट किया है ना पिछले महीने, क्योंकि जब आप सही होना शुरू होते हो ना, तो आप लेवरेज बढ़ाते रहते हो, फिर आपके कंट्रोल में नहीं आता। आप बोलते जबरदस्त ऊपर जा रहा है सेटअप, ऊपर जा रहा है सेटअप, ऊपर जा रहा है सेटअप, अभी हम आएंगे एनालिसिस में। वो सारा समझो $1,000 के 2,000 हो गए, और झटका आया और $300 पे अकाउंट आ गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने 50x, तो मैंने अपना अकाउंट का साइज ही 1:20 कर दिया है। तो होता क्या है कि जब मैंने लेवरेज का साइड एक्सनेस में जाना, और एक्सनेक्स के अंदर जो लोग उसमें अकाउंट का ऑप्शन देते हैं, ये फॉरेक्स भी देता है, ओवांडा भी देता है, ठीक है। तो जितने लोग पाकिस्तान तजिकिस्तान से हैं दैट कैन ओपन इन एक्सनेस, यूएस में ये नहीं चलता, कनाडा में नहीं चलता, वो ओवांडा ले रहे। फॉरेक्स के पिप्स महंगे हैं, कमीशन महंगा है, ठीक है। और अफगानिस्तान के लिए खाली बाइनेंस अवेलेबल है, बिकॉज तो गेम वही है। आपको मैथ समझा रहा हूँ, फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे खेलो, कोशिश करके, अगर तुम्हारा पेशेंस बहुत है, जो कि नहीं होता रिटेलर्स में, ना उनके पैसे नहीं टूटते दुनिया में इतने, इंस्टीट्यूशन अमीर नहीं हो रहे रोज होते, 1:20 का अकाउंट ही खोलना, ताकि तुम मैक्सिमम, अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपये है ना, ये मैं सब मिटा रहा हूँ, ये क्लियर है सबको, मिटा दूं मैं। इज देयर अ वे टू क्लीन एवरीथिंग? क्लियर, गुड। तो अगर तुम्हारे अकाउंट में $100 है, और तुम 20 का लेवरेज ले सकते हो, तो मैक्सिमम तुम्हें 2,000 का माल मिलेगा, राइट। 2,000 का माल मिला, 1% बढ़ गया या टूट गया, दिन में नॉर्मली क्रिप्टो 1-4% जाता है, 1% में खेला अगर आपने, तो आपका $20 टूटा या लॉस हो ना, एटलीस्ट आपके पास $80 बढ़े अकाउंट में वापिस बढ़ने के लिए। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर 50x का लेवरेज मिलता, तो तुम तो 100 के डायरेक्ट 50 कर देते, और दूसरे 50 से जीरो करके बोलते, ये तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, इट्स नॉट फॉर मी, यस और नो, राइट। सो दैट्स व्हाई अकाउंट खोलना ही 20x का। कोई बोले ना 500x ले रहा हूं मैं, ले लो, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे समझ आ गया गेम क्या है तुम लोगों का, समझ आ गई क्या करना है। सो 20x का अकाउंट खोलना है। अब अगर तुम बाइनेंस में आते हो, लेट मी शो यू, मैं इतना ऑपरेट नहीं करता बाइनेंस, सर और सॉरी सर मिनिमम कितने की लेवरेज का अकाउंट खोल सकते हैं? 20x से भी कम का खोल सकते हैं? 1:2 का भी होता है, बट उसमें कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, तो 1:20 का खोलना, ठीक है, उसके ओके वन नीचे मत टी जाना। ओके अच्छा, ओके अब बाइनेंस में आ गए तुम, बाइनेंस में तुम यहाँ पर आए फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में USDTM में आए तुम, और इसमें आने के बाद तुम्हें ये स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। और तुमने समझो यहाँ क्लिक किया, तो तुमने बोला यार BTC चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये BTC 1 आवर, 4 आवर, जो चाहिए, ये टाइम फ्रेम है, जो ट्रेडिंग व्यू में दिखता है वो यहाँ भी दिखता है। तुम बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे जाते हो ना, ये दिख रहा है, तो इसमें एक जगह होती है जहाँ डेमो अकाउंट होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर माउस ओवर करोगे ना, ये देखो, ये लेवरेज है, ठीक रहा है। 125 तक नहीं चाहिए भाई, 10x भी खेलना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ छोटी सी बात, समझो मेरे पास, अभी तो मेरे पास बाइनेंस में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं यूज नहीं करता, लेकिन अगर 100 रुपीज होते ना, तो 100 दिखा रहा होता, ठीक है। अब मैं अगर 100 रुपीज का USDT लेता, तो मुझे वो कितना क्रिप्टो लेने देगा? वो बोल रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी $118 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझो 120 है मेरे पास, तो मुझे 0.02 BTC देगा, ठीक है। अब तुम 0.02 BTC मल्टीप्लाई पे आज का रेट लगा लो, 59,136 कितना हो गया,
बेसिकली 10x का मतलब है 120 है तो तुम्हें $1,200 का माल लेने दे रहा है। ये बात क्लियर हो रही है सबको? रेज योर हैंड्स यस और नो। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी में आपकी, जब इमेजेस देखता हूँ तो मुझे पता चलता है, वरना मैं ऐसा लगता है दीवार से बात कर रहा हूँ। तो अब तुमने अगर $120 का माल लिया तो तुमने बोला 1% मेरा टेक प्रॉफिट है, 1% उसने कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और तुमने बोला स्टॉप भी 1% है। तो देखो वो नीचे बता रहा है स्टॉप PNL $1.18 है और एग्जिट PNL यानी प्रॉफिट PNL 1.23। ये समझ आ रहा है? दिख रही है सबको स्क्रीन, यस और नो? थोड़ा जूम करूं शायद, कर सकता हूँ कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ। ये दिख रहा है सबको नंबर नीचे 1.24, 1 point, यस और नो? अब अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट 2% है, तो देखो अब मैंने लेवरेज लगाया नहीं है, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा 100% यूज हो जाए, $120 पूरा रिस्क करना है मुझे। तो अब $1,200 का माल लिया मैंने, $1,200 पे अगर 2% मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बने, तो 2% कितना होगा? ठीक है, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्क की कैलकुलेशन हो गई है, लेकिन हम नॉर्मली मैथ्स में कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लो, 1200 का माल है, करो मशीन निकालो, खुद नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, टाइम्स 2% $24 होता, यस और नो? तो ₹100 पे ₹24 बन गए, हाँ यानी 24% बन गए। ठीक है, लेकिन 1% लॉस का मतलब अब यहाँ पे हम देखते हैं, समझो कितने लोग बाइनेंस यूज करते हो, रेज योर हैंड्स। ठीक है, मैं ये कहूँगा अपने आपको ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेन करो, tradingview.com पे जाओ, फ्री अकाउंट बना लो, और यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं जो डाल सकते हो, यहाँ पे सारे टूल्स हैं जो यूज कर सकते हो। जी रहमान, यू हैव अ क्वेश्चन? रहमान आपने हाथ उठाया हुआ है, डू यू हैव अ क्वेश्चन? अच्छा आई डोंट नो। सो ट्रेन अपने आप को यहाँ पे करो, ठीक है। छोटी सी बात बताता हूँ मैं, समझो आज बिटकॉइन ये, ठीक है, अगर आज हम, ये तो 4 आवर 8 आवर है ना, अगर 5 मिनट पे हम जाते हैं और समझो हम कहते हैं कि यार हम बाय कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक है, अगर मैं ये वाला सिंबल है लॉन्ग का, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना, ये सबको पता है? ठीक है, ये वोकैबुलरी है ट्रेडिंग की। 1% देखो दिखा रहा है, ये 1% है, यानी बिटकॉइन यहाँ से यहाँ गया ना तो 1% हो जाएगा, और अगर मैं स्टॉप लॉस इतना भी लेता हूँ तो ये दिखा रहा है 0.61%, राइट? तो समझो तुम्हारा यहाँ से यहाँ गया ना तो ₹100 के 124 बन जाएंगे, तुमने वाओ 24% गेन 1 घंटे के अंदर, लेकिन नीचे भी अगर आ गया ना तो 24% लॉस भी हो जाएगा। तो इसीलिए 10x लेवरेज भी नहीं, 5x लेवरेज लगाओ शुरू में जब खेल रहे हो। तो मैं छोटा पैसा लगा के खेलने को इसलिए बोलूंगा कि डेमो ट्रेडिंग में सीखने नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इमोशनली अटैक नहीं होता ना, जब तक नुकसान नहीं होगा ना पैसे का तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सीरियस नहीं होते क्योंकि आपका रियल पैसा नहीं टूट रहा होता ना, राइट? और जब रियल पैसा लगाते हो तो जज्बाती जाते हो, पूरा एक्सीलेटर पे पैर दे देते हो, या तो पूरा आएगा या तो पूरा जाएगा, राइट? तो बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है कि बिल्डिंग से लटके हुए हो और नीचे जम्पर भी नहीं खुला हुआ है, तो बस अल्लाह से दुआ कर रहे हो ऊपर वाले से कि या तो तू बचा लेना या तो ऊपर आ गया, तो फिर देखते क्या करना है। तो वो सिचुएशन नहीं करनी, वो कहते हैं ना फर्स्ट टाई योर हॉर्स एंड देन प्रे, या लॉक योर कार एंड देन प्रे, तो गाड़ी को लॉक जरूर करना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? तो अगर एक्सेस में जाते हो तो एक्सेस में भी ऑप्शन है, या forex.com में भी ऑप्शन है कि तुम लोग 1:20 का लेवरेज ले सकते हो। बाइनेंस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बाइनेंस में जो ऑप्शन था वो मैंने बता दिया तुमको कि यहाँ पे ऑप्शन होता है लेवरेज का,
तो ये लेवरेज तुम्हें कोशिश करके 10 रखना है या 5 रखना है, 20 भी नहीं करना है, ठीक है? 5 का लेवरेज रखा या मैक्सिमम 10 का रखा, ठीक है? क्योंकि ये तो तुम्हें 125 का दे रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। और समझो तुमने $100 थे ना तुम्हारे पास अकाउंट में, तो तुम उसका ये पूरा 100% है ना, 50% यूज करो। तो हुआ क्या, $100 थे, तुमने 50% रिस्क किया, तो कितना यूज हुआ, $50 यूज हुआ ना। ये बात सबको समझ आ रही है, येस और नो? राइट, $50 को तुमने 10x कर दिया, तो कितने का माल मिल गया तुमको, 500 का मिल गया। ये सबको समझ आ रहा है? अब 500 के माल पे अगर 1% पे प्रॉफिट है तुम्हारा, तो तुम्हारे को $5 बन जाएंगे, और नीचे ही 1% लॉस है, तो तुम्हें $5 का लॉस है। तो $100 में अगर $5 बनते हैं, छोटा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि लॉस भी होगा ना तो 5 का होगा, ज्यादा दुख नहीं होगा। यस और नो? राइट, क्योंकि जिसने यार $100 लगाया ना, उसके लिए वो $100 भी $1,00,000 के बराबर है, ठीक है ना? और जिसने 1 लाख लगाया, तो शायद उसके लिए $1,00,000 कुछ भी नहीं है, राइट? तो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि हाउ यू हैव अरेंज द मनी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा डेमो पे खेले, बिकॉज डेमो पे वेस्ट ऑफ टाइम है, आपकी इमोशनल ट्रेडिंग ट्रेनिंग नहीं है। बट रियल मनी डालो, बट छोटा छोटा डालो, ठीक है? वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तजिकिस्तान में, सिटिंग इन अफगानिस्तान, वो बोलेंगे यार एक बिटकॉइन तो 62,000 का है। तो मैंने बताया ना, $62,000 नहीं चाहिए, आप 0.001 बिटकॉइन भी ले सकते हो, यानी $10 का बिटकॉइन भी ले सकते हो। आपके पास $10 है, आप $10 डालो, 10x के लेवरेज पे आपको $100 का माल मिलेगा, यानी कि 0.001 बिटकॉइन मिल जाएगा। उस पर 1% बढ़ा तो $100 या $10 11 बन गए, एक कम हुआ तो $10 के 9 बन गए, फिर एक और खेलो। लेकिन सेटअप बनने का वेट करो। तो आज मैंने तुम लोग को बेसिक ट्रेनिंग दी कि अकाउंट बनता कैसे है और लेवरेज कैसे रहता है। ये बात सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स, चैट पे लिखो और रेज करो, ठीक है? गुड, गिव योरसेल्फ पैट ऑन द बैक। वो जो मेरे साथ दूसरे लोग हैं, उनको पता है मैं सिखाता हूँ। देखो दुनिया में जब शुरू कम काम करते हो ना, तो कोई शाबाशी नहीं देता है, तो अपने आप को खुद बोलना पड़ता है। मोहम्मद आसिफ जबरदस्त, जहांगीर जबरदस्त, रौनक बहुत अच्छे, ठीक है? क्योंकि जब बन जाओगे कुछ तो दुनिया वैसे ही आ जाएगी ना तारीफ करने के लिए। जब मसला तब होता है जब कुछ नहीं बने होते। सही कह रहा हूँ मैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? ठीक है, तो अपने आपको पैट ऑन द बैक दोगे, ठीक है बेटा, रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने ही बजे आपके यहाँ काम कर रहे हो तो कुछ करना है ना, तो शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी आ जाते हैं हम रीकैप पे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं रीकैप कर दूं स्ट्रैटेजी वापस से, जो मैंने 3 क्लासेस में सिखाई थी? इसका मतलब है तो उन्होंने क्लास 1 2 3 देखी नहीं है, शॉर्टकट जाना चाह रहे हो। चलो तो मैं क्विकली रीकैप करता हूँ, फिर देखते हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट में आजकल अजीब सिचुएशन है, बहुत सारी वॉर्स हैं, बहुत सारी। और देखो तुमने 1% लिया था, तो ये 1% ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया, राइट? बट ये सीखना जरूरी है। वो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने से बेहतर मैं एक और बिटकॉइन ले लेता हूँ, कॉइन बेस का नहीं, कोई खाली लेता हूँ बिटकॉइन जिसमें कोई चार्ट्स नहीं हो, कुछ ना हो, सारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं, सब ड्रॉइंग्स रिमूव कर देते हैं और जीरो पर आ जाते हैं, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है सबको, यस और नो? ठीक है, हमेशा मैंने कहा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है? मैंने तुम लोगों को एक बात उसी वक्त बताई थी, ट्रेंड लाइन बनाओ। ये देख रहे हो दोनों तरफ डॉट्स लगे हुए, देख रहे हैं? इसको ट्रेंड लाइन मेकर कहते हैं। ट्रेंड बनाओ, ट्रेंड क्या होता है, कनेक्ट द डॉट्स। कभी कभार डॉट से भी नीचे आ जाओगे, लेकिन कोशिश करना कि डॉट कनेक्ट हो। तो मैंने तुम लोग को उस वक्त एक बात बताई थी कि वीकली पीरियड में एक कैंडल एक वीक बता रहा है। लास्ट वीक मैंने बताया था कि वीकली कैंडल सेल में आ गई है, ठीक है? अब न्यूज व्यूज वगैरह, बीबीसी, सीएनएन, सब बेवकूफ बनाते हैं, दे आर ऑल फेक स्टोरीज। ये बोलेंगे वो अभी एक बिटकॉइन पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है। तुम यहाँ जाओगे, इंस्टीट्यूशन ठक करके सेल मारेगा, तुम सबके पैसे टूटेंगे और इंस्टीट्यूशन पार्टी करके अंदर आ जाएगा, राइट? अब होगा क्या, वापस से ऊपर गया,
बिटकॉइन क्योंकि वीकली लेवल है, तो वीकली लेवल में कोई भी चीज लाइफ में ऐसे ऊपर नहीं जाती, ऐसे जाती है। बीच पे कितने लोग गए समंदर, ठीक है, पानी की वेव सीधे आके लगती है या आराम से लगती है, राइट। लाइफ में भी यही होता है, ब्रीदिंग भी ऐसे होती है, झटके से नहीं आती है, राइट, आती है जाती है और आती है जाती है। सांस भी फूलता है तो आहिस्ता आहिस्ता फूलता है, सेटल डाउन होता है तो आहिस्ता होता है, इसमें भी ऐसा ही है। तुमने देखा कि यार ये एक लाइन मैंने बनाई और एक ये बनाई, ये सबको लाइन समझ आ रही है मैंने कैसे बनाई। रेज योर हैंड सब जो कि जिनको समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, क्लासेस सबने देखी है। तो इसका मतलब है हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, हमने एक बात उसी वक्त कर ली थी 2 हफ्ते पहले कि ये ऊपर गया यहाँ तक आया, ऊपर गया यहाँ तक आया, ऊपर गया यहाँ तक आया। तो जब इस दफा भी ऊपर गया तो शायद यहाँ तक आएगा ना, तो ये पॉइंट याद रख लो, ये पॉइंट है 54,774 का, लिख लिया सबने, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 4 आवरली पर आ जाओ, दिन में कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 4 आवर की कैंडल है तो कितनी कैंडल बनेगी दिन में, 6 टाइम्स 4 24, 6 कैंडल बनेगी। इतना क्या सोच रहे हो सर, दिन 6 कैंडल बनेगी ना, 24 घंटे है ना सबके पास, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा दिन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सबको क्लियर है। 1 घंटे पर आ जाओ तो कितनी कैंडल बनेंगी, 24 24 कैंडल्स। आधे घंटे पर आ जाओ तो कितनी बनेगी, 48 कैंडल्स। 5 मिनट पर आ जाओ तो कितनी कैंडल बनेगी, बहुत सारी बनाएगी, ठीक है। तो जो जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना उतनी ट्रिक्स ज्यादा होती है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे खेलो, बड़े टाइम फ्रेम में खेलने से आपको फायदा क्या होगा, बहुत सारे लोग आपने देखा है लगे रहते हैं फोन पे, लगे रहते हैं, वॉशरूम भी गए, खाना भी खाने गए, जॉब भी कर रहे हैं, उनसे जिंदगी में कोई काम नहीं होता, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो छोटी कैंडल में खेलने से एक तो ये प्रॉब्लम होगा जिसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करो, लॉन्ग टर्म करो। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर भी बनता है, मैनिपुलेशन भी ज्यादा होती है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रिक करते हैं रिटेलर्स को, उनके नॉलेज के हिसाब से उनको बेवकूफ बनाते हैं ताकि वो पैसा तोड़े। जितना छोटा टाइम फ्रेम है उसमें वो ट्रिक ज्यादा है। देखो एक रिटेलर या तो मार ग्रीड में खाता है, क्यों खाता है मैंने आपको समझा दिया, राइट। जब वो 10x की जगह 50x लेता है तो आधे पैसे टूट जाते हैं, और दूसरे गलत में आधे पैसे, तो पूरे पैसे 2 ट्रेड में तोड़ दिए, राइट। या तो वो मार खाता है जल्दी जल्दी पैसे बनाने में, तो वो जल्दी बनाने के लिए 5 मिनट या 1 मिनट में भी खेलता है, यार मैं हर मिनट पे पैसा बनाऊं, मुझे ऐसी चीज आ जाए, मुझे अलादीन लैंप मिल जाए, यस और नो, तो वो इसलिए मार खाता है। तो 2 तरह से आप हार सकते हो, वो दोनों तरीके अवॉइड करने हैं, हाई लेवरेज अवॉइड करना है और स्मॉलर टाइम फ्रेम अवॉइड करना है। ये बात क्लियर है, इसको अपने पास लिख लो, ऐसी जगह लिखो कि रोज ट्रेडिंग करने बैठो तो तुम्हारी याद रहे, ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, राइट। और आज भी मेरा भी इस पे कंट्रोल नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, क्योंकि देखो एक चीज है टेक्निकल और एक चीज है इमोशनल। मैं तुम्हें टेक्निकल सिखा सकता हूँ, इमोशनल तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तुम में कितना ठहराव है, कितना सबर है, कितने रिवेंजियस हो। अगर रिवेंजियस हो जिंदगी में, कोई तुम्हें कुछ बोल के चले जाओ और तुम बदला निकालना, तो तुम्हें स्टॉक में भी मार पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और टूटेंगे। लेकिन तुम सबर वाले हो, कोई तुम्हें जिंदगी में बोल के चले जाए तो तुम बोलो नहीं यार खैर है, कोई मसला नहीं, दैट्स ओके। तो ट्रेडिंग में भी तुम्हें वो मतलब ये ऐसी चीज है कि इसमें खुदा की कुदरत नजर आती है, पूरा का पूरा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइंड, राइट। मजा आ रहा है अभी तक, कितने लोगों को मजा आ रहा है और कितने को बोरियत हो रही है, रेज योर हैंड्स। जब बाकी लोगों ने वीडियो नहीं सर, मजा आ रही, एंजॉय कर रहे हैं ऑन क्यों सर। नहीं किया, ऑन कर लो, तैयार होकर बैठने की जरूरत थोड़ी है यार। गुड, चलो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो बिटकॉइन हमें ये समझ आ गई, ओवरऑल नीचे जाएगा, ठीक है।
एक दो वीक में यहाँ तक आया ना, तो शायद 2 वीक में यहाँ तक आ जाए। अच्छा, 2 हफ्ते पहले की न्यूज देखोगे ना, तो बुल में जा रहा है, तो मैं न्यूज मिल रही होगी बिटकॉइन 1 लाख डॉलर का हो जाएगा, 2 लाख डॉलर का हो जाएगा, 1 मिलियन का हो जाएगा। अभी तुम 1 हफ्ते पहले की न्यूज देखना, लोग वॉर की बातें करेंगे, ठीक ना। अब न्यूज बाद में बनती है, ग्राफ पहले बनता है, ठीक है। अब क्योंकि ग्राफ नीचे का बन गया है, तो न्यूज कास्टर समझो तुम्हें, तुम्हारी नौकरी मिली हुई है, तो तुम्हें क्या बोलना है? अब तुम नेगेटिव भी ढूंढोगे ना, यार वहां वॉर हो रही है, वहां तेल के कुएं में आग लग गई, शेख अबीबी ने शेख अबीबी को ये बोल दिया, पॉजिटिव थोड़ी बोलोगे। लेकिन जैसे ही कैंडल ऊपर गई, अब तुम्हें दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है कि बिल क्लिंटन ने बिल गेट से ये कह दिया, वो कह दिया, यू नो, तुम बेवकूफ बन रहे हो। न्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है। जो बड़े बड़े चीते हैं ना, WD Vann, वॉरेन बफेट्स, मैथमेटिशियंस, वो मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दुनिया बाकी लोगों को न्यूज से बनाती है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर समझ लेना है, न्यूज की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि न्यूज अगर आज नेगेटिव कह रही है ना, तो रिटेलर सेल करेगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन उस वक्त बाय कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज बिकती भी है, ठीक है, खाली पाकिस्तान में थोड़ी बिकती है, ठीक है। ऐसे बदनाम किया अपने मुल्क को तुम लोगों ने। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 4 घंटे पे। अच्छा, अब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम देखो, ये बड़ी बड़ी ट्रेंड लाइन तुम्हें नजर आ रही है, अब तुम्हें दिख रहा है कितनी क्लैरिटी से कि यहाँ से कैसा गिरा ये, ठीक है। अब या तो इस बड़ी कैंडल पे तुमने शॉर्ट ले लिया होता, तो तुम्हारे जो पैसे बने होते, ओ माय गॉड, यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस होता इधर कहीं, और तुमने कहा था यार मैं यहाँ तक प्रॉफिट लूंगा, मुझे पता है ये आएगा ही आएगा, तो तुम्हारा 10 गुना पैसा बना होता। यानी अगर 100 डॉलर लगाए तुमने, तो तुम्हारा 10 डॉलर का लॉस होता और 1,000 डॉलर का प्रॉफिट होता, ठीक है। और ये प्रिडिक्ट करना कितना आसान था, कोई इसमें रॉकेट साइंस था? मुझे बताओ, येस और नो। तो हम लोग क्यों नहीं खेल अरे सकते सर, इतना ये बड़ा गेम? लास्ट बात बोली ना, वो वापिस एक्सप्लेन कर सकते हैं? 10 डॉलर का लॉस कैसे होता और लगेंगे 1,000 डॉलर का प्रॉफिट होता। बताता हूँ। ये सबको समझ आ रहा है, शॉर्ट वाला पोजीशन जो मैंने बनाया, यहाँ से मैं एंटर हुआ। अच्छा, क्यों एंटर हुआ देखो। अच्छा, सवाल पूछ के ना म्यूट बैक कर दिया करो। तो मैंने आप लोगों को 2-3 कॉन्सेप्ट बताया था, वापस क्लास देखना, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट देखो, यहाँ से बार बार टक्कर मार रहा था बिटकॉइन, नीचे आता था टक्कर मारता था, नीचे आता था टक्कर मारता था, नीचे आता था टक्कर मार, चौथी टक्कर मारी, उसके बाद बूम, राइट। अब इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 15 मिनट पे देखता, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये हमें नजर आ रही है हमारी चीजें, देखो अब दिख रहा है, वो जो मैं टकरों की बात कर रहा था, विजिबल हो रही है सबको, यस और नो, राइट। ये बूम करके ऊपर गया, नीचे आया, वापस लिक्विडिटी ली, नीचे आया, लिक्विडिटी ली। तो तुमको ये समझ जाना चाहिए कि यार इस लेवल पे कुछ मसला है, बार बार क्यों टक्कर मार रहा है, क्या बाउंस करेगा या फेल होगा? अब तुमने बोला कि यार ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं जाके गड़बड़ क्या है, तो बड़े टाइम फ्रेम तो तुमको मैं वीकली दिखा चुका हूं ना, बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या था, बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये सेल था ना भाई, ये इतनी बड़ी कैंडल है रेजिस्टेंस की, 3 दफा टकरा चुका है, हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ, समझ आ रही है बात, यस और नो, राइट। तो तुम्हें एज ए ट्रेडर कुछ नहीं भी आता, तो तुम्हें ये पता है कि यार ये वो लेवल है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में तुम खेल रहे हो ना, पहले उसले उसके वीकली लेवल्स बना लो, ट्रेंड लाइन, और देखो कोई शेप बनता है जो तुम्हें समझ आ रहा है। बेसिक शेप्स क्या है दुनिया में, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, दैट्स इट, राइट। ओवल तो कुछ भी नहीं होता ना, राइट। तो उसी में चीजें खेलते हैं। तुम आ जाओ, तुमने अगर यहाँ पे सेल किया होता,
मैं देखा यार इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देखो मैं दिखा रहा हूँ, तीनों दफा ये यहाँ से टकराया। गौर से देखना, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 15 मिनट से नीचे मत जाया करो। तुमने बोला यार यहाँ से टकरा के नीचे जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा है? तुमने बोला यहाँ तक जा रहा है, दिख रहा है, यहाँ गया नीचे आया वापस टकराया नीचे आया, यहाँ इस दफा टकरा के यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट दिख रहा है? ठीक है, सबको दिख रहा है ये पॉइंट? तुमने बोला यार मैं इधर ट्रेड लूंगा, ठीक है, क्योंकि अब ये नीचे तक सवारी करेगा, सफारी की राइड लेगा, तो अब तुम्हारा स्टॉप लॉस, तुमने बोला यार मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ऐसा ना हो वापस से ये लिक्विडिटी लेने के लिए एक दो और टकरे मार दे, तो मेरा तो स्टॉप लॉस टूट जाएगा, तो तुमने थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, ठीक है, और तुम बोलो मैं प्रॉफिट कितना लगाऊंगा, तो तुमने बोला यार वीकली पे जाता हूँ, देखता हूँ कितनी लंबी ट्रेड हो सकती है, तो अब देखो तुम्हें समझ आ जाएगा खेलना कैसे है, और यही हो रहा है। तो 2 हफ्ते पहले अगर तुमने सेल लिया होता ना, तो यहाँ तक का तुम ट्रेड ले लेते, क्योंकि तुम्हें पता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक है, तो थोड़ा ऊपर ले लेते ना, तो भी 5 गुना प्रॉफिट है। अगर 3.24 टाइम्स का लॉस है, 3.24 टाइम्स का लॉस है, तो प्रॉफिट कितने का है? देखो 15.09% का प्रॉफिट है। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ बात, ये समझ आ गई है बात? शक्लें दिखाओ मुझे, अपनी वीडियोज ऑन करो सारे, क्योंकि ये समझ आ गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। कितने लोगों को ये समझ आ गया? हाथ उठाओ अपने अपने, मैं देख रहा हूँ फोटोज आपकी। रौनक, सुजा, एचपी, जहांगीर, सबको समझ आ गया? आसक, तो यानी 3% का लॉस लेके 15% का गेन का मौका मुझे मिल रहा है, सेटअप मिल रहा है, मौके को बोलते हैं सेटअप। थम्स अप करो, ये बात समझ आ गई है? अच्छा ये चीज कितना जल्दी होगी? अब यहां तुम्हें और मुझे मार पड़ती है, ये चीज क्या 1-2 दिन में हो जाएगी? नहीं, इसको 2-4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि एक कैंडल भाई 1 वीक की है, तो 1 वीक, देखो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक कैंडल है ये वाला, ये रूलर देख लो, दिख रहा है रूलर सबको? ये रूलर को बोलते हैं मेजर, तो मेजर करो लास्ट टाइम यहां से यहां तक कितना बड़ा था और कितने दिन में आया था, तो ये 19% का दिख रहा है, और ये 6 बार थी यानी 42 दिन में आया था, दिख रहा है सबको? अच्छा उससे पहले वापस जाओ, उससे पहले यहां से यहां तक कितने टाइम में आया था? 35 डेज में आया था, और 19% था, 17% 40 डेज में, 19% 35 डेज में, ठीक है, एक और देख लो, तुम्हें तो 3 केस मिले ना, ऊपर वाले ने तुम्हें मौके पे मौका दिया, 19% 35 डेज में, तो तुम्हें मैथ समझ आया? 15 से 20% फेल होता है 35 से 40 दिन में, ये बात सबको समझ आ गई? तो अपने आप को शाबाशी दो, तुम्हें गेम समझ आ गया। अब मार्केट को आग लग जाए, सीएनएन के लोग पानी में गिर जाए, यू डोंट केयर, हमको पता है 30 से 35 दिन में 15% बिटकॉइन गिर जाएगा, खलास गेम ओवर, कोई सब्जेक्ट। अब तुम ऊपर से फॉल लो, पैराशूट लगा लो, स्टॉप लॉस बना लो, स्टॉप लॉस नॉर्मली जहां टक्कर मार रहा है ना उससे थोड़ा ऊपर रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन साले बड़े तेज हैं, वो थोड़ा ऊपर से जाके स्टॉप लॉस लेंगे, उनको पता है तुम्हारे स्टॉप लॉस कहाँ लगे, उनके पास सीसीटीवी कैमरा है, तुम थोड़े से भी ऊपर लगाना, ठीक है? अब देखो होगा क्या, 3% का तुमको लेवरेज लेना है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना। अच्छा ये सेटअप में 3% का लॉस है तो 15 का गेन है, ये समझ आ गया सबको? समझ आ गया, यस और नो? तो 1 गुना लॉस करके 5 गुना गेन मिल रहा है, 1:5 कहते हैं इसको, ये समझ आया? ऐसा सेटअप किसी को नहीं मिलता, ये बहुत बेहतरीन सेटअप है, बट इसके लिए सब्र चाहिए। तो अब तुम्हारे पास समझो $100 पड़े हैं, ठीक है, मैं छोटी बात ही करता हूँ, $100 पड़े हैं, और तुमने बोला यार मैं 10x का लेवरेज लेता हूँ,
तो मुझे $1,000 मिल गए, ऐसा ही है ठीक है। $1,000 पे 3% कितना होता है बोलो, $1,000 पे 3% कितना होता है, चार्ट मिले $1,000 पे 3% होता है $30, तो तुम्हें लॉस मिल गया तो $100 पे $30 का लॉस हो जाएगा, यानी 30% लॉस हो गया तुम्हें। ये समझ आया, कितनों को ये समझ आ गया, बड़ा लॉस है 3%, यस और नो। तो कोशिश करके तुम 10x की जगह 5x की लेवरेज ले लो तो वो $30 $15 हो जाएगा ना, समझ आया। और 3x की लेवरेज कर लो तो $15 $10 हो जाएगा। हमने क्या बात की थी, हमने अपनी इक्विटी का 10% से ज्यादा नहीं तोड़ना एक गिवन टाइम में, ये रूल बना लो, लिख लो दिमाग पे चिपका लो, यस और नो। तो अब मैं बोलूं कि मैं तुम्हें $30 गवाने की इजाजत नहीं दे रहा एज द ट्रेनर, एज द गुरु, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तो सर फिर मैं अपना लेवरेज कम कर लेता हूँ, कम कर लेती हूँ, यस और नो? बिकॉज अगर मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं किया या इंस्टीट्यूशन ने चालाकी की वापस जंप मारा, मार्केट न्यूज व्यूज तो बना लेती है, और मेरे जहाँ स्टॉप लॉस लगा है वहां से वापस नीचे गिरा, तो मेरे तो $30 टूट गए ना, अब मेरे पास $70 पड़े, 100 नहीं पड़े। ये बात सबको समझ आ रही है? तो कभी कभार आप सही होते हुए भी अपने आप को बचा नहीं पाते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा ऊपर ले गया खींच के। मैं तुम लोग एग्जाम्पल दिखाऊंगा, समझ आएगा। लेकिन कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस वक्त तुम लोगों का मेंटल लेवल चेक करना है, कितने लोग समझ पा रहे हैं ये बात, रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद समझ आ जाए तुम लोगों को। सर सर ये वापस पता नहीं, वो कंफ्यूजन हो गई है। ठीक है, ये देखो, समझो तुम्हारा ये लेवल था, यहाँ बार बार टक्कर मार रहा था, ठीक है, तुमने अपना स्टॉप लॉस लगाया इधर क्योंकि तुम्हें लग रहा था यार यहां से मार्केट गिरेगी। इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, यहां तक ले गया, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कट गया ना, $100 के तुम्हारे 30 हो गए, लेकिन वो लाया वापस नीचे ही, तो तुम सही थे, लेकिन तुम क्या समझ के बैठे थे भाई कि मैं सोच रहा हूँ यार ये बार बार टक्कर मार रही है, एक टक्कर दो टक्कर तीन टक्कर, अब यहां से टक्कर मारी तो नीचे आएगी, तो तुमने इधर ट्रेड ले लिया, इधर स्टॉप लॉस लगाया, तुमने थोड़ा ऊपर लगा लिया 3%, तुमने बोला यार यहाँ देखो गिरना शुरू हुई, तुम यहाँ घुस गए राइट, लेकिन मार्केट ने सारे ने वापस चालाकी की, थोड़ा और ऊपर ले गई, 5-10% ऊपर ले गई। अब इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लगाने का तुम्हारे पास पर्स नहीं है ना, वॉलेट नहीं है, तो तुम्हारे पैसे तोड़े और आना उसको नीचे ही था। तुम बोलोगे यार मैं भी नीचे आने की बात कर रहा था, मार्केट भी नीचे आई, लेकिन मेरा ऑर्डर कहाँ गया, लॉस क्यों पड़ा अकाउंट में? क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर तुम्हें वॉच कर रहा है, सुपर कंप्यूटर सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस वॉच कर रहा है, और वो बोल रहा है यार 90% लोगों के स्टॉप लॉस इधर तक है, कुछ के इधर है, कुछ के इधर है, कुछ के इधर है, मार्केट को यहां तक ले जाओ, सबके काटो फिर नीचे गिराओ। तो होगा क्या, जब कटेगा रिटेलर लॉस करेगा ना तो इंस्टीट्यूशन पैसा बनाएगा, इंस्टीट्यूशन लॉस करेगा तो रिटेलर पैसा बनाएगा, ये दुनिया का लॉस। कोई सच बोलेगा तो किसी को झूठ मिलेगा, कोई झूठ बोलेगा तो दूसरे के लिए सच होगा, ये बात क्लियर है लाइफ में? तो ये स्टॉक का है, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहां देख रहे हैं, कहाँ गया अपना ग्राफ यार, मैं कहीं पर लिख रहा था तुमको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तो उन लोगों को, बेसिक चीज है। तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरा ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं, थोड़ा मैथ्स ज्यादा हो गया आज।
$100 था अकाउंट में, 3% मेरा लॉस स्टॉप लॉस था जो कि कट सकता है, मैंने दिखाया कैसे कट सकता है, 15% मेरा गेन था, और मुझे 35 से 40 डेज के लिए वेट करना है, रोज पेशेंस रखना है, ऊपर वाले का नाम लेना और बोलना है आज ट्रेड बंद नहीं करूंगा, 1 महीने बाद ट्रेड बंद होगा, या तो स्टॉप लॉस कटेगा या तो प्रॉफिट कटेगा, मैं ट्रेड बंद नहीं करूंगा। अब ये तुम लोग के लिए सबर की बात है, 40 दिन तक बैठना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? हमारे बस की बात नहीं है, वॉरेन बफेट जैसा आदमी बैठ सकता है, राइट? तभी वो लोग पैसे बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया हिस्ट्री से, ठीक है? अब हमने बोला यार $100 में हमको लॉस लेने की इजाजत दी है $10 की, ठीक है? तो अब तुम कैलकुलेट करो, $100 पे 5 गुना यानी 5x का लेवरेज लेता हूँ तो बन गए $500। $500 पे 3% कितना होता है, निकालो कितना होता है, $15। वो तुमको इजाजत है $15 तोड़ने की? नहीं। तो तुम बोलो 3x लेता हूँ, 3x में कितना हुआ, $300 हुआ, $300 का 3% कितना हुआ, $9। $9 की इजाजत है, डन। तो यानी कितना लेवरेज लेना है, 3 गुना। समझ आ गई? तुमको कितना मिल रहा है मार्केट से, 150 गुना। तुम्हें चाहिए 150? नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर, आप ही रखो, मेरे लिए 3 बहुत है। अब $100 पे 3 गुना लेवरेज पे, अब अच्छे को आप देखो, 15% इंशाल्लाह मिल गया तो कितना हुआ, आप करो 30 टाइम्स 15, $45। तो $100 तुमने लगाया है 1 जनवरी को, और फरवरी 10 को तुम्हें 145 मिल जाए, तो तुमने कितना पैसा बनाया भाई, 45% बना लिया। ऐसे तुम साल में 4 ट्रेड ले लो 45% के, तो तुमने सुकून से $100 लगाए थे और साल में 300 कर दिया, कितना मुनाफा है? कोई बैंक देता है, कोई बिजनेस देता है, लेकिन किसको मिलता है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये कुरान की आयत, यस और नो? कर सकते हो तो कर लो सब्र, हमसे होता नहीं है इसलिए हमारा इतने पैसे बनते नहीं, हमको तो रोज ट्रेड चाहिए और रोज बाहर निकलना, और कभी कभार दिन में 4-5 दफा ट्रेड चाहिए, 4-5 दफा निकलना है, सही कह रहा हूँ, यस और नो बड़ी सर, बड़ी सर, बोलो। 15% वैल्यू कहाँ से आ रही? 15% अभी तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके वापस देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मुझे पूरा सवाल वापस पूछ रहे हो, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, जो हमने सेटअप लिया है कि यहाँ से हम ट्रेड में घुसे और यहाँ तक गए, तो ये क्या बोल रहे हैं नीचे देखो, 15% बता रहे हैं, ये 15% प्रॉफिट है अगर हमारे हिसाब से ट्रेड नीचे आती है, लेकिन ये 3% लॉस है अगर ट्रेड गलती से वापस यहाँ तक जाती है। क्लियर हुआ अभी सबको? क्लियर है ये पॉइंट, यस और नो? तो इस तरह से आप अपनी, इसको आज कहते हैं पोजिशनिंग, हमने आज सीखा कि पोजिशनिंग कैसे करते हैं और अपने अकाउंट के हिसाब से पोजिशन लेते कैसे हैं। 1 मिनट, सॉरी आप लोग को नजर नहीं आया होगा क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है वो, अब स्क्रीन नजर आ रही है, ये ट्रेड था यहाँ 3 दफा टकराने के बाद जब ये नीचे आया तो हमने स्टॉप यहाँ से ट्रेड एंटर की, देखो ये न्यूट्रल लाइन है, यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया था, ये कितना है, 3.24% है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? तो 3% लॉस है, और यहाँ तक अगर नीचे आता है तो कितना गेन है, 15% का गेन है, यस और नो? तो इसलिए हमने 15 लगाया। तो अब किसी के, समझो कोई बोले यार मैं कैसे सवाल पूछूं, लोग बोलेंगे इसके पास $10 भी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है? तो ज्यादातर दुनिया में उन्हीं लोगों ने तरक्की की जो बिल्कुल ब्रोक थे, उनके पास पैसे नहीं थे, राइट? तो अगर आपके पास $10 है तो आप कैसे लेवरेज लगाओगे, सिंपली $10 पे लेवरेज बनाओ, $10 पे 3% का, 3.24% का लॉस मिल रहा है और 15.26 का प्रॉफिट मिल रहा है।
अब बोलो 10x पर 3x लेवरेज लगाता हूँ तो $30 का माल मिलेगा। $30 के माल पे 3% गेन हो गया तो कितने बन जाएंगे चेक करो। ठीक है, $3 बन जाएंगे, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर $30 पे 15% प्रॉफिट हो गया तो $15 बन जाएंगे। तो $30 को होल्ड करके मैं $45 बना लेता हूँ 1 महीने से 40 दिन में। तो बहुत अच्छा बोला गया ना, रिवॉल्व करो तो $10 पे भी ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, ये मैंने क्लास शुरू की जिन लोगों के लिए, मुझे मकसद है उन लोगों को $100 बनाना सिखाना। ठीक है, और अगर वो $100 बना लेते और आप सबके पास जो लोग हो, जो मैं जानता हूँ अलहमदिल्ला उससे ज़्यादा ही पैसे, लेकिन शुरू बहुत छोटे से करो राइट। क्योंकि एक दफ़ा जब आपके पैसे बनेंगे ना तो बहुत सारे लोग पैसे लगाने वाले भी मिल जाएंगे राइट। फिर आप 50-50 भी कर सकते हो, 25% प्रॉफिट भी रख सकते हो, उसको 75 भी दे सकते हो। बट अपनी हिस्ट्री बनाओ $10 $20 $100 पे। कल को आप अपना अकाउंट किसी को दिखाओगे, देखो मैं पिछले 30-40 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, देख लो मेरे कितने लॉसेज हैं कितने प्रॉफिट है और मैं अकाउंट को कहाँ से कहाँ ले गया हूँ। समझ आ रही है बात? यस और नो? ठीक है, तो जरूरी नहीं आपके पास पैसा हो। इफ यू हैव द मनी, इफ यू डोंट हैव द मनी यू हैव द स्किल, पीपल विल फॉलो यू। लोग घूमते रहेंगे आपको, तो स्किल सीख लो। थैंक यू वेरी मच, स्लीप वेल। चलो टॉक टू यू लेटर, ठीक है। तो आज बिटकॉइन की ट्रेड देख ली हमने, जाना है तो अभी भी एंटर कर लो। आज आधी हो गई है तो 3:15 का रेशियो शायद ना मिले, लेकिन 1:1 का मिल जाएगा। अगर 30-40 दिन बर्दाश्त करने का सबर है तो हो सकता है 54 तक चला जाए, हो सकता है 58 से जंप करे तो 58 पे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना। ठीक है, ठीक है।